हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल। ये सेशन मैंने खास रखा है कुछ शेयर मार्केट के बारे में बात करने के लिए। मैं खुद भी बहुत सालों से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करती हूँ, इन्वेस्टमेंट भी करती हूँ। मैंने मैनेजमेंट कॉलेज में, एमबीए कॉलेज में कुछ सालों तक पढ़ाया है। वहाँ पर भी बहुत स्पीकर्स आते थे जो इसके बारे में डेमोन्स्ट्रेशन देते थे, लेक्चर्स देते थे, गेस्ट लेक्चर्स देते थे। और खुद मेरे भी कुछ जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनके बेसिस पर मेरी जो भी नॉलेज है, तो मैंने MBA भी किया हुआ है, तो वो सारे जो भी नॉलेज है। मैं ना तो ये कह रही हूँ कि आप इन्वेस्ट करें, ट्रेडिंग करें, ना तो मैं ये कह रही हूँ कि ना करें। बहुत सारे लोग वैसे भी क्यूरियोसिटी रखते हैं कि शेयर मार्केट क्या है, उसमें के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, बेसिक चीज़ें या कुछ फंडामेंटल चीज़ें। तो मैं कुछ इस पर भी बोलना, मुझे लगा कि कुछ सेशन इस पर भी ले सकती हूँ। तो आज ये हल्का फुल्का सेशन एक शेयर मार्केट या ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट पर। तो जैसा हम जानते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE और BSE, दोनों में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट होती है। इसके आगे एक बार देखते हैं हम वॉरेन बफेट वॉरेन बफेट को सभी जानते हैं। इन्होंने बिलियंस ऑफ अपनी प्रॉपर्टी बनाई, पैसा बनाया शेयर मार्केट के माध्यम से ही, तो सभी इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके आगे अगर हम बात करें हमारे इंडियन वॉरेन बफेट जो हैं, राकेश झुनझुनवाला जो हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, इन्होंने ये CA थे बेसिकली, पर इन्होंने CA की अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस, चार्टर अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस नहीं की। रैदर इनको इस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट था, शेयर मार्केट में, और ये शुरू से ही उसमें लग गए। हालांकि इनके पिताजी, फादर इसके विरोध में थे, स्टिल इन्होंने कंटिन्यू किया कि मैं शेयर मार्केट में ही काम करना चाहता हूँ। और बहुत ही छोटे से कैपिटल से इन्होंने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बनाई जो सब जानते हैं, बहुत ही सक्सेसफुल है। इंडियन वॉरेन बफेट का इनको को उपाधि भी दी गई है। तो शेयर मार्केट में दो तरीके का आप कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब 6 महीने, कुछ मंथ्स के ऊपर आप रखना चाहते हैं अपने कैपिटल को, तो वो इन्वेस्टमेंट हो गई। अदरवाइज अगर आप तुरंत खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, तो वो ट्रेडिंग में आ गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है जो दलाल स्ट्रीट मुंबई में है। स्टैब्लिश हुआ था 1875 में, 1875 में। ये पिक इमेज है, इतना क्लियर नहीं है, पर आप देख सकते हैं दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्टैब्लिश 1875 बॉम्बे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे मैं एक बात बोल देना चाहूँ, जब ये स्टैब्लिश हुआ था 1875 में, तो पेपर वर्क होता था, सारी चीज़ें आपको खुद पर्सनली जाके खरीदनी होती थी ब्रोकर के थ्रू, और आप पेपर पे साइन करते थे वगैरह। फिर जब भी आपको बेचना हो, पेपर संभाल के रखने होते थे, जैसे हम अपने डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट संभाल के रखते हैं। तो उस वक्त जब इनिशियली ये सब सेटअप हुआ था, तो वो आपने जो भी जितना भी क्वांटिटी खरीदा, जितने पैसे में खरीदा एटसेट्रा, वो सारी डिटेल एक पेपर पे होती थी, पेपर वर्क होता था, आपकी साइन होती थी, और बेचते वक्त भी वो सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती थी। लेटर ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो NSE है, वो भी मुंबई में है, 1992 में, 1992 में स्टैब्लिश हुई। ये फर्स्ट डी मटेरियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज इन कंट्री, हमारी कंट्री में ये फर्स्ट डी मटेरियलाइज्ड। तब से शुरुआत हुई कि पेपर वर्क नहीं, यहाँ पर पेपर वर्क नहीं होगा, अब इलेक्ट्रॉनिक किससे, जैसे हम ऑनलाइन आजकल ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, इंटरनेट के थ्रू खरीदना बेचना, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो वैसे ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक किसके मीडियम से हम खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो ये दोनों ही एक्सचेंज है। अब BSE में भी वैसा होने लगा, अब BSE में भी पेपर वर्क नहीं होता है। अब ऐसा नहीं है कि आपको पेपर वर्क करना है, फिजिकली प्रेजेंट होना है। BSE और NSE दोनों में ही अभी ट्रेडिंग ऑनलाइन होती है। ये NSE की पिक है, ये भी मुंबई में ही है, 1992 में इस्टेब्लिश हुआ है। और इसके आगे चलते हैं, ट्रेडिंग में बेसिकली इक्विटी होती है, कमोडिटी होती है, फ्यूचर ऑप्शंस होता है, फॉरेक्स होता है, फॉरेक्स में करेंसीज की ट्रेडिंग होती है, इक्विटी में शेयर्स हो गए, कमोडिटी आप जानते हैं, कमोडिटी में कुछ खास कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शंस पे भी मैं बोलूँगी। तो मैं कुछ लेक्चर्स, कुछ ऐसे प्रेजेंटेशंस बनाऊंगी जिनमें वन बाय वन बेसिकली शेयर के बारे में, लोग ज़्यादातर शेयर के बारे में जानना चाहते हैं कि शेयर क्या होता है, कौन कौन से शेयर हैं, कौन कौन से शेयर की क्या पोजीशन है। मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन होती है, मैं जितना ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करती हूँ, इसके हिसाब से मुझे जितनी भी जानकारी होगी, कितने लॉस कहाँ पर बन गया या कितना प्रॉफिट हो गया, वो सारी जानकारी जो भी होता है मैं अपने सब्सक्राइबर को दे सकती हूँ, देना चाहूँगी फर्दर।
सबसे पहले अभी जो आपको बोला इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हो गया है, तो डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। आप पेपर वर्क नहीं कर रहे हैं तो डीमैट अकाउंट होना है। डीमैट अकाउंट में भी ये ICICI डायरेक्ट, मोतीलाल ओसवाल, शेयर खान, पांच पैसा, एंजल ब्रोकिंग, इंडिया इन्फोलाइन, अपस्टॉक्स, जेरोडा, ये सारे डीमैट अकाउंट है जो वेल नोन है, काफी लोग यूज करते हैं इनको। और इसमें ब्रोकरेज वो लेते हैं, आप जब भी कुछ भी ट्रेडिंग खरीदते हैं बेचते हैं तो वो कुछ अमाउंट उसमें डिडक्ट करते हैं, आपने इतना का खरीदा। जब भी आप खरीदते हैं तब भी डिडक्ट होता है, जब आप बेचते हैं तब भी डिडक्ट होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने बहुत ह्यूज लॉस बुक किया है तो भी वो, क्योंकि ये ब्रोकरेज कमीशन, एक ब्रोकरेज काटते, उसको मतलब नहीं होता आपने बहुत प्रॉफिट बुक किया या आपने बहुत लॉस बुक किया। वो अमाउंट कैलकुलेट करते हैं कि कितने अमाउंट पे बिका, उस अमाउंट पे वो डिडक्शन अपना एक फिक्स रखते हैं, 1% या 0.0 समथिंग लाइक दैट। वो डिपेंड करता है आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप एक दिन की ट्रेडिंग कर रहे हैं या कुछ दिनों के बाद आप बेच रहे हैं या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो चार्जेस अलग 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 होते हैं। उसमें भी अलग अलग फर्म जो एंजल ब्रोकिंग है उनके चार्जेस अलग होंगे, शेयर खान के अलग होंगे, ICICI डायरेक्ट के अलग होंगे। इसके अलावा भी आपके बहुत जो भी बैंक में आपने पैसा रखा है, हर बैंक आजकल अपना एक डीमैट सेक्शन अलग कर दिया है। हर बैंक भी, जिस भी बैंक में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, सेविंग्स की हुई है, वो बैंक भी अब एक डीमैट सेक्शन रखता है। और काफ़ी आसान हो गया, आप हर वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं आपने जिसमें भी इन्वेस्टमेंट की है या ट्रेडिंग करे, वो उसका लेवल कहाँ है, वो कहाँ चला गया, उसकी वैल्यू गिर गई या बढ़ गई। लोग काम करते वक्त भी शेयर खरीद लेते हैं और इमीडिएटली बेच देते हैं, क्लिक से खरीदना होता है, क्लिक से बेचना होता है, काफ़ी आसान हो गया। बहुत लोग इतने ज़्यादा इसमें माहिर हो गए हैं कि वो बहुत पैसा बनाते हैं, आप राकेश झुनझुनवाला को देख सकते हैं। बहुत लोग इसे नहीं समझ पाते, ठीक से नहीं कर पाते और अपना कैपिटल भी डुबा देते हैं, फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं। तो दोनों ही तरह की चीज़ें होती है, तो ये डिपेंड करता है कि आप इसको कितना सीखते हैं, कैसे लेते हैं और क्या चांसेस बनते हैं आपके पास। तो आज के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट सेशन में ज़रूर कोशिश करूँगी कि कुछ और भी बातें करूँ इसके बारे में। आपको अगर अच्छा लगा हो मेरा ये सेशन तो आप कमेंट ज़रूर करें, लाइक बटन प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कुछ और सेशंस इस पे ज़रूर लेके आने वाली हूँ कि कितने टाइप के इक्विटीज़ होती है, कैसे शेयर ट्रेडिंग होती है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और कहाँ पे प्रॉफिट के चांसेस बनते हैं, क्या होता है शेयर एग्जैक्टली। तो ये सब मैं और बोलना चाहूँगी इसके बारे में कुछ सेशंस में। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।